इसके तहत कई इंतजाम भी किए गए हैं जिससे किसान दिल्ली के अंदर ना घुसे। इसके लिए ड्रोन के जरिए किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन किसानों ने इसका भी रास्ता निकाल लिया है और एक पतंग के जरिए ड्रोन को नाकामयाब कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश भर में एक बार फिर से किसानों का आंदोलन शुरू हो चुका है। हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। किसान फिलहाल हरियाणा के अंबाला के शंभू बॉर्डर से आगे नहीं जा पा रहे हैं। यहां पर बीते 36 घंटे से किसान रुके हुए हैं। दूसरी ओर पुलिस किसानों पर ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले बरसा रही है। आंसू गैस के गोलों के चलते किसानों को पीछे हटना पड़ रहा है। अब किसानों ने इन ड्रोन को गिराने के लिए एक देसी जुगाड़ निकाल लिया है। जहां एक ओर सरकार लाखों रुपए खर्च करके ड्रोन बना रही है, तो दूसरी ओर किसान 10 रुपए के जुगाड़ से इन ड्रोनों को नाकामयाब कर दे रहे हैं। दरअसल किसान ड्रोन को गिराने के लिए पतंग उड़ा रहे हैं। बुधवार दोपहर के करीब अब किसानों ने ड्रोन को गिराने के लिए शंभू बॉर्डर पर पतंगबाजी शुरू कर दी। किसान बड़ी संख्या में पतंग लेकर पहुंचे हैं और शंभू बॉर्डर पर पतंग उड़ा रहे हैं ताकि पतंग के मांझे में ड्रोन को फंसाकर गिराया जा सके। किसान शंभू बॉर्डर पर इतनी बड़ी तादाद में पतंग उड़ा रहे हैं कि पुलिस का ड्रोन अपने रास्ते से भटक जा रहा है। किसानों ने आंसू गैस के प्रभाव को कम करने के लिए चेहरों पर मुल्तानी मिट्टी लगाई। साथ ही कई किसानों ने चेहरे पर मास्क और आंखों पर एयर टाइट चश्मे लगा रखे हैं। सबसे आगे चलने वाले ट्रैक्टरों के सामने लोहे की चादर लगाई गई है और उन्हें गीली बोरियों से ढक दिया गया है। इसके अलावा मिट्टी उड़ाने की मशीन भी मंगवाई गई है ताकि मिट्टी के धुएं को कम किया जा सके और पुलिस को चकमा भी देने में आसानी हो। इसके अलावा आंसू गैस के गोलों को निष्क्रिय करने के लिए किसानों ने वाटर स्प्रे और गीली बोरियां लगाई है। वहीं बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए जेसीबी मशीनें मंगाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर पंजाब के अधिकारियों ने शंभू सीमा पर अपने क्षेत्र में आंदोलनकारी किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए हरियाणा द्वारा ड्रोन के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है। पंजाब के पटियाला के डिप्टी कमिश्नर शौकत अहमद परे ने अंबाला के डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिखकर कहा कि वे अंबाला के पास शंभू सीमा पर पंजाब के क्षेत्र के अंदर अपने ड्रोन को न भेजे। इस तरीके से फिलहाल किसानों और सरकार के बीच लगातार बॉर्डर पर झड़प की स्थिति देखी जा रही है। वैसे इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।